रविवार को गोरखनाथ थाना क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम में दुस्साहस दिखाते हुए अज्ञात बदमाशों ने एटीएम को काट कर लगभग 7.5 लाख रुपए उड़ा दिए थे, जिसको गंभीरता से लेते हुए एसएसपी ने चोरों की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम गठित कर दिया है। जिसके संबंध में गोरखपुर नीति से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि इस तरह की घटना पहली बार सामने आई है, जिसके लिए पुलिस लगातार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। मुकदमा दर्ज कर स्पेशल टीम गठित कर दी गई है। एसएसपी ने लोगों से अधिक सीसीटीवी लगाने की अपील किया है, जिससे कोई भी घटना घटने पर उसकी तफ्तीश की जा सके। इस संबंध में गोरखपुर नीति से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। जी बिल्कुल, एटीएम में जो है कुछ कटिंग गैस कटर का यूज़ करके बड़े प्रिसाइज तरीके से उसमें चोरी की है। उसके संदर्भ में एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया गया है और सभी पहलुओं की जांच कर ली जा रही है। मुकदमा दर्ज करके हम बिल्कुल इसमें तीव्र गति से जांच कर रहे हैं और इसमें जो इंटर डिस्ट्रिक्ट पूरे प्रदेश भर में हमने वहाँ से डाटा लगाया है कि किस तरह की ये अपने आप में एक अनोखी टाइप की चोरी है जो पहले काफ़ी समय से यहाँ पर नहीं हुई है और गोरखपुर पुलिस कटिबद्ध है इस तरह की चोरियों को रोकने के लिए। देखिए ये बैंकों के अपने अपने नियम हैं और बैंकों के अपने अपने उनकी परंपराएं हैं। पुलिस सभी को कहती है कि जितना भी हो सके, क्योंकि पुलिस थाने में जितने सिपाही हैं जो भी है वो सभी को पता है कि हम 24 घंटे हर जगह हर पल मौजूद नहीं रह सकते हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा और ये सब जो है निजी गार्ड वगैरह या प्राइवेट गार्ड्स रखना ये एक अलग विषय, जिसके बारे में लोगों को समय समय पर हमेशा से ही हम लोग अवेयर करते रहें और लोग रख भी रहें, सीसीटीवी के इस कवरेज भी बढ़ा रहे हैं। मैं लोगों से फिर इस मौके पर अपील करूंगा कि जो सार्वजनिक स्थान है उनकी तरफ अपने अपने एक एक कैमरे लगा दें। आपने दुकान में 4 लगाए हैं कैमरे, तो अगर एक दुकान का कैमरा बाहर सड़क की तरफ होगा तो आपको भी लाभ करेगा और जनता को और आम जनजीवन को भी हमें ऐसे मौके पर मदद करता है।